बरेली कॉलेज में लंबे समय से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अस्थायी कर्मचारियों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे कर्मचारियों ने शनिवार को बरेली कॉलेज में तालाबंदी कर दी। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं तालाबंदी के चलते अपने परीक्षा फॉर्म जमा कराने पहुंचे छात्रों को मायूस होकर लौटना पड़ा। दरअसल बरेली कॉलेज में 150 से ज्यादा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी हैं, जो कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए करने, बरेली कॉलेज में रिसीवर बैठाने और बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस साल 3 जनवरी को भी कर्मचारियों ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी थी, जिसके बाद 7 जनवरी को प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद कर्मचारियों ने तालाबंदी खत्म की थी। वहीं अब फिर से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं, जिसके चलते अस्थायी कर्मचारियों ने आज बरेली कॉलेज के मुख्य कार्यालय पर ताला जड़ दिया। आपको बता दें, कर्मचारी पहले ही प्रशासन और कॉलेज को इसकी चेतावनी दे चुके थे, लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर यह तालाबंदी की गई है। बरेली कॉलेज कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा का कहना है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पहले जब तालाबंदी की गई थी तो प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है, जिसके बाद उन्हें फिर से तालाबंदी करने को मजबूर होना पड़ा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों की 5 सूत्री मांगों के लिए पिछले दिसंबर 2021 में आंदोलन शुरू हुआ था 14 दिसंबर से, जिसको 7 जनवरी को एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, तमाम अधिकारियों के सम्मान में हम लोगों ने उस तालाबंदी को समाप्त किया। जब उन्होंने प्रार्थना की थी हम लोगों से आकर के यहाँ पे कि भाई ताला खोलिए छात्र हित में, तो और सुबह को परीक्षा थी, तो हम लोगों ने कहा भाई हमारी जो मांगे हैं उनका क्या, उन्होंने कहा आपकी मांगों का हम आश्वासन देते हैं, समाधान कराएंगे, लेकिन लगातार विधानसभा चुनाव तक हम लोग शांत रहे। लगातार एडीएम सिटी से हमने मुलाकात की, सिटी मजिस्ट्रेट से हम मिले, बरेली कॉलेज के प्राचार्य से हमने कई दफ़ा मुलाकात की, लेकिन हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो पूर्ण नहीं की जा रही। महाविद्यालय में हमारे साथियों ने एक सुर में आम सभा करके निर्णय लिया है कि तालाबंदी की जाएगी, और इस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ, तो अध्यक्ष होने के नाते जो मेरे साथियों की आम सभा में जो निर्णय लिया गया है कि कॉलेज बंद किया जाएगा जब तक मांग पूर्ण नहीं होती है, तो भगवान श्री राम की कसम खा के मैं अपने संगठन के साथ ईमानदारपूर्वक इसका नेतृत्व कर रहा हूँ और लगा रहूँगा जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होती है, जब तक बरेली कॉलेज में भ्रष्टाचारी मैनेजमेंट में कार्रवाई नहीं होती है, हम तालाबंदी करेंगे। और ये न्यायिक मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, अगर इसके लिए हम पे कोई भी कार्रवाई होगी, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जिला प्रशासन को बता के कर रहे हैं हमारा तालाबंदी आंदोलन है। अगर आप हमारी मांगे पूर्ण नहीं करवा सकते हैं तो वेतन काटने का अधिकार आपको कहाँ से है? प्राचार्य ने वेतन काटने का नोटिस जारी कर दिया है। ये लोग लगातार बरेली कॉलेज को बर्बाद किए हुए हैं, इन्होंने बरेली कॉलेज में बड़ा बड़ा जंगल कर दिया, तो मैंने अधिकारियों से कहा कि आखिर प्रिंसिपल यहाँ पे देख क्या रहे हैं। अब ये कहते हैं कि छात्रों का हित हो रहा, मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग लगातार पिछले एक वर्ष से आंदोलन कर रहे थे, छात्रों को कोई परेशानी ना हो इसलिए हमने लंच टाइम में प्रोग्राम किए, हमने शाम को गली कूचे में जा करके अपनी समर्थन मांगा, लोगों से बात रखी, अपनी मांगों के लिए बरेली के तमाम जनप्रतिनिधियों से मिले, लेकिन जिला प्रशासन हमारा सोता रहा और ये कॉलेज प्रशासन उससे कहीं ज़्यादा सोने वाला है। इन्होंने हमारी आवाज़ को बहुत हल्के में लिया, हमने जब जब कहा हम ताला बंद करेंगे तब तब हमने बंद किया, इस दफ़ा भी हमारी इसको प्राचार्य जो है मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज ताला बंद कर दिया है साथियों ने अपनी एकता के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये आंदोलन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती।